जेनेटिकली जैसे आपने जन्म लिया वैसे ही आपके अंदर में ये जीन्स आ जाते हैं कि आप बहुत परफेक्शन को चाहने वाले हो जाते हैं। अब परफेक्शन को चाहना ये जेनेटिकली हो सकता है संभव, और कल्चर के कारण भी हो सकता है संभव। भारत के अंदर में अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस रहना ये कल्चर है, और अगर आप रिलीजियस हो तो पूजा पाठ जो करते हो उसमें एक डिसिप्लिन रखना ये और एक कल्चर है, और फिर उसमें स्टेप्स रहते हैं कि पूजा करते समय में आप पहले ये करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे, उसके बाद में वो करेंगे, ऐसा करेंगे, इस फूल को लेंगे, सफेद फूल लेंगे, पीला फूल लेंगे, वगैरह वगैरह। अभी क्या हुआ, आपका कल्चर आपको वो चीज के लिए फ्लेक्सिबल नहीं बना रहा है, आपको इनफ्लेक्सिबल बना रहा है। तो कल्चर आपको ये कहता है कि नहीं, आपने ऐसा ही करना चाहिए और कोई नहीं करना चाहिए। अब ऐसा अगर आपका विचार हुआ तो आप इस टेंडेंसी को लाइफ में भी लेके जाओगे, और लाइफ में अगर लेके जाओगे तो आपकी टेंडेंसी ये इनफ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो फिर आप चाहेंगे कोई भी चीज में परफेक्शन देखने के लिए जाएंगे। अगर आप कोई भी चीज में परफेक्शन देखेंगे, खुद का परफेक्शन, तो आपको तो वो हासिल नहीं होना है। मतलब आपने इम्परफेक्शन को या लेस परफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ तो आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा और बीमारी तक के ले जा सकता है। इसीलिए साइकोलॉजी की किताब में जब मैं बहुत मुझको लगता है 30-35 साल पहले की बात है, जब मैं बीए साइकोलॉजी कर रहा था तो मैंने साइकोलॉजी की किताब पढ़ी। शुरुआत मैंने किया और पहले ही सेंटेंस में ऑथर ने, टेक्स्टबुक थी वो, ऑथर ने लिखा था, ये हो सकता है ऑथर ने जो लिखा था वो तो अंग्रेजी में किताब थी, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं मतलब बता रहा हूँ आपको कि ऑथर ने लिखा था। ये हो सकता है कि आपको लगता है कि आप परफेक्ट रहना चाहिए। मैं पढ़ रहा था और मेरी उम्र उस समय में 23 साल की थी, मैं सोचा यस बराबर है, क्योंकि मुझको ये कल्चरली सिखाया गया था कि परफेक्ट करना चाहिए। पेपर कैसा, परफेक्ट लिखो, है ना, बाल अगर संवारने हैं तो कैसे, परफेक्ट संवारो, ड्रेस पहनना है तो बड़ा कैसे, परफेक्ट करो, तो उसको सिखाया गया था, ये मेरा कल्चर है। और मुझको मेरे माता पिता ने, मेरे इल्डरली लोगों ने सिखाया, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, बचपन से सिखाया हुआ है। अब यहाँ एक टेक्स्ट बुक का ऑथर मुझको लिख रहा है, टेक्स्ट बुक है वो, कोई सादी सादी किताब नहीं है, कोई नॉवेल नहीं है, ऑथर लिख रहा है। अगर आप समझते हो कि आपने परफेक्ट रहना चाहिए, तो मैं आपको आज ही बता दूं, परफेक्शन को सीख करना या परफेक्शन की डिमांड करना या परफेक्शनिस्ट होना ये साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है। मेरी उम्र 23 साल की थी, मुझको शौक लग गया, लेकिन मैं समझ भी गया कि नहीं, ये मुझको मालूम हुआ, इंफॉर्मेशन मिली, मुझको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं खुद को अमेंड करूंगा, मैं खुद को चेंज करूंगा। तो आप सब लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये अपील करूंगा कि खुद को चेंज करने की एटीट्यूड रखिएगा, अपडेट करने की एटीट्यूड रखिएगा। इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसमें आपको लगेगा कि ये आपके लिए नई जानकारी है, तो आपको आपकी ओल्ड जानकारी को भुलाना पड़ेगा, साइड ट्रैक करना पड़ेगा और नई जानकारी को रीलर्न करना पड़ेगा। मैंने भी मेरी नई जानकारी मुझको मिली ये परफेक्शनिज्म छोड़ दो करके, मैंने उसको रीलर्न कर लिया और मैंने परफेक्शनिज्म को छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी जो भी काम कर रहा हूँ उसमें क्वालिटी को बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अच्छे क्वालिटी की तरफ में आज भी बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हूँ और कोशिश करता हूँ, लेकिन वो परफेक्ट रहना चाहिए इस तरह के विचारों से मैं अड़ा नहीं रहता हूँ, मैं इनफ्लेक्सिबल नहीं रहता हूँ। अगर कभी उसमें परफेक्शनिज्म नहीं आए तो मैं काम बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ और लाइक करते चलता हूँ, ठीक है ना। तो ये परफेक्शनिज्म की बात हुई जो आपके मन में स्ट्रेस डेफिनेटली बढ़ाएगी।